हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग के हो गए, अभी 6:30 बज चुके हैं। तो अभी मैंने चाय वगैरह बनाई और उसके बाद अभी खाने का प्रोसेस होगा जारी। तो मैं बताती हूँ आपको मॉर्निंग का व्यू हमारे घर से कैसे दिखता है, पहाड़ियाँ वगैरह। ये देखिए सुबह मॉर्निंग का व्यू। तो अभी सुबह सुबह एकदम शांत सा लगता है, बिल्कुल बस चिड़ियों की चहल पहल रहती है सुबह सुबह, बाकी तो सभी शांत रहते हैं सुबह सुबह। देखिए ये है मॉर्निंग का व्यू, और देखिए जिम्मी उधर भाग रहा है, पता नहीं उसने किसको देख लिया। इसका तो ये है कि ये चिड़ियों को भी आंगन में इधर आने नहीं देता, अगर इसके सामने आ गई तो जाके तुरंत उनको उसी टाइम भगा देता है। इतना तेज हो गया भागने में, तो बड़ा तेज है। तो अभी मैं खाना वगैरह बनाती हूँ, वरना मैं लेट हो जाऊँगी खाना बनाने में। चलिए फिर खाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। ये आटा वगैरह मैंने गूंद दिया है, चाय चाय बना दी है, मम्मी जी पापा जी वगैरह चाय पी चुके हैं, तो आटा वगैरह मैंने गूंद के रख दिया है। तो अभी मैं काट रही हूँ आलू, आलू बनते हैं सुबह सुबह, तो आलू काट रही हूँ। और मम्मी पापा जी वगैरह को मैंने चाय चाय दे के अभी आटा गूंदा, और अभी मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी। मैं और पतिदेव तो चाय पीते नहीं हैं, क्योंकि पतिदेव को सुबह अगर खाली पेट चाय दी तो उसमें गैस्ट्रिक वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, उनको चाय वगैरह सूट नहीं होती खाली पेट। तो वैसे भी खाली पेट कोई भी हो उनको चाय का सूटी नहीं होती, पर जो पीते हैं वो आदत, जिनकी हैबिट है वो तो कैसे मान सकते हैं ऐसे। तो मैं भी मतलब चाय पीती नहीं हूँ, और पतिदेव भी सुबह सुबह हम दोनों चाय नहीं पीते। मैं तो पीती नहीं हूँ, पर पतिदेव दिन वगैरह में पी लेते हैं, खाना खाती बाहर वैसे पी लेते हैं, पर खाली पेट चाय नहीं पीती क्योंकि उनको सूट नहीं होती। तो अभी लगा हुआ है काम आलू छिलने का, उसके बाद साथी माँ को आगे का प्रोसेस। वैसे आप लोग जानते होंगे हमारी शादी हो गई है 6 साल, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता कि 6 साल हो गए, पता ही नहीं लगता 6 साल हो गए शादी को। तो आज थी मेरी पहली रसोई, तो अभी उस टाइम को याद कर रही हूँ बड़ा ज़्यादा, क्योंकि शादी के बाद पहली रसोई हो तो सभी को थोड़ी सी नर्वसनेस रहती है, सभी थोड़े नर्वस होते हैं, सारे ही जितने भी होते हैं सभी को डर लग रहता है कि पता नहीं कैसे क्या होएगा, कैसे क्या चीज़ बोलेंगे बनाने के लिए, वो बनेगी या नहीं बनेगी। वैसे मैंने तो मीठे में चाय बनाई थी सभी को पहली बार, उसके बाद खाना वगैरह बनाया था मीठा जो बनता है वो हलवा वगैरह। चाय बनाने के बाद फिर मैंने हलवा वगैरह बनाया था सूजी का, और ऐसी बात है मैंने अपनी पहली रसोई में तो हलवा बनाया है। आप लोगों ने क्या क्या बनाया है प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आलू वगैरह प्याज वगैरह मैंने छिल के रखी है, लहसुन भी, तो चलता है तड़के का प्रोसेस। अभी आप देख सकते हैं अभी खाना बन चुका है, ये लास्ट रोटी थी, तो देखिए रोटी मैंने बना दी है और साथ में आलू और मूंगफली की सब्ज़ी भी बना दी है। तो अब मैं और पापा जी जा रहे हैं घास काटने, भाई चले गए थे घास काटने, तो अभी हम लोग खाना बना के फ्री हो गई हूँ, फिर घास लाने के बाद ही खाना खाएंगे सभी साथ में बैठ के। तो अभी लेके आती हूँ मैं घास, फिर करती हूँ आगे की वीडियो शेयर आपके साथ। तो गाइस ये देखिए दिन के अप्रोक्सीमेटली 1:30 बज चुके हैं और पीहू स्कूल से वापस आ गई है, लेकिन आज पीहू को स्कूल में इसको ड्रेस मिली, अब देख सकते हैं इनको पहनाई जा रही है
ड्रेस पहन रही है पीयू, और वंदना पहना रही है इसको ड्रेस। और ये देखिए इसकी जो पैंट है वो थोड़ी सी बड़ी है। तो आज पीहू का सेकंड डे था स्कूल का, तो इसको ड्रेस वगैरह दे दी गई है। वैसे हम घर की ड्रेस जो होती है आउटिंग की जो ड्रेस होती थी वो पहन के जाती थी, तो स्कूल में अच्छा नहीं लगता। तो आज स्कूल में मिली है पीहू को ड्रेस वगैरह, तो पहना रहे हैं इसको, देखते हैं कैसी लगती है पीहू। तो ये भी बहुत प्योर है कि मैं इसको पहनूँ। तो भाभी जी भी आ गए और पहना रहे हैं इसको ड्रेस वगैरह। ये पैंट थोड़ी सी लंबी है जिसकी कटिंग वगैरह करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों में यही रहता है टाइम के अनुसार, जैसे कई बच्चों की हाइट ज़्यादा रहती है, कुछ बच्चों की कम रहती है, तो उसके अनुसार स्कूल में मंगाई होती है ड्रेस। तो ये किसी किसी बच्चे को ही प्रॉपर वे से आती है ड्रेस, तो अदरवाइज़ फैमिली मेम्बर है उनको एडजस्ट करनी पड़ती है हाइट के हिसाब से। तो ये देखिए टाई वगैरह लगा के पीहू रेडी हो रही है। तो ये ड्रेस है दयानंद पब्लिक स्कूल जोडन की, तो ऐसी दिख रही है पीहू। और ये देखिए बैलेट वगैरह सब कुछ। तो पीहू बहुत ही सुंदर लग रही है ड्रेस के, स्कूल ड्रेस के बाद। अभी शाम के 5 बज चुके हैं और बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज लगी हुई है, हवा वगैरह भी हो रही है साथ में। वो आज दोबारा डर लग रहा है कहीं से स्लाइड वगैरह ना हो जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश है। ये देखिए बहुत तेज़ी से हो रही है बारिश, कुछ टाइम रुक रही है, थोड़ी बहुत रुक रही है, लेकिन कंटिन्यू भी देखिए कितनी घनी बारिश लगी हुई है आज दोबारा। और मैं नीचे भी काम करने बैठा हुआ था, लाइट वगैरह चली गई है, तो मैं बाहर देखने के लिए आया कि कितनी बारिश हो रही है। तो काफ़ी ज़्यादा बारिश है, बहुत घनी बारिश है। वैसे अलर्ट भी जारी हुआ है कि 3-4 दिन कंटिन्यू बारिश रहेगी, 3-4 दिनों तक बारिश रहेगी। तो ये देखिए अभी काफ़ी ज़्यादा बारिश शुरू हो गई है, ये देखिए। और यहाँ से देख रहा था मैं अंदर कमरे से, तो जो रास्ता है हमारा नीचे जाने वाला वो ऐसा नाला टाइप बना हुआ है, तो ऐसी हालत हो गई है आज। बारिश लगी हुई है बहुत ज़ोरों शोरों से, और हवा के साथ तिरछी हो रही है, खिड़कियों से अंदर की तरफ आ रही है सारी। तो करता हूँ मैं खिड़कियाँ वगैरह बंद क्यों खुली हुई हैं, तो कंटिन्यू करूँगा बाद में वीडियो। अभी रात के 8 बज चुके हैं और मम्मी और वंदना कर रही है रूम शिफ्टिंग का सामान शिफ्ट कर रहे हैं एक रूम से दूसरे रूम, क्योंकि हमारे रूम से लगता हुआ साथ का एक रूम है उसमें सैलाब वगैरह आ रही है पानी की, क्योंकि कंटिन्यू बारिश हो रही है, धूप वगैरह काफ़ी कम लग रही है। तो उसमें ऐसा है जो हमारे जो बेड थे उसको रूम में लगाए हुए हैं उनमें सीलन आ रही थी, तो उस करके वहाँ से लेके आए हैं, इसको शिफ्ट किया है हमारे वाले रूम में। और ये देखिए सिस्टम वगैरह बंद करके बैठा हूँ, क्योंकि मम्मी और वंदना ने बहुत सारा सामान इधर उधर कर लिया है। तो हमारे मामा का लड़का भी आया था मेरे से बातचीत करने के लिए, तो उसने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की हमारी सामान वगैरह निकालने के लिए, क्योंकि बेड वगैरह जब निकालते हैं तो काफ़ी फोर्स की ज़रूरत होती है, तो उसने हेल्प की। तो रात के 9 बज चुके हैं, ये देखिए सेटिंग वगैरह करके इस कमरे का सामान निकाल के इस कमरे में लगाया, क्योंकि यहाँ पे सीलन वगैरह आ रही थी, और बाहर से भी सीलन थी और अंदर से भी, जो अपने जो बाहर का बरांडा है उसमें से पानी वगैरह नीचे आ रहा था थोड़ा बहुत, तो सीलन सी बनी हुई थी इस कमरे के अंदर। तो यहाँ से शिफ्ट किया सामान इस साइड, और ये देखिए झाड़ू वगैरह लगा रहे हैं यहाँ पे। तो उसके बाद करते हैं डिनर वगैरह। और ये देखिए रात को मौसम बारिश का हो गया है दोबारा, आज शाम को काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी ऐसा लग रहा है, हवाएं भी चल रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।